नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी 2022 का रियल में कट ऑफ क्या रहने वाला है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो कट ऑफ की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग 20 लाख बच्चों का सर्वे दोस्तों शिफ्ट वाइज आपके सामने अभी मैं दिखाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कट ऑफ ज़्यादा हाई भी नहीं जाने वाला है, ज़्यादा लो भी नहीं रहने वाला है, लेकिन ये कंफर्म है दोस्तों ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। पहले जो 2018 में जो कट ऑफ थी उससे तो बहुत कम रहने वाली है। कारण भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कि 2018 में जो भर्ती हुई उसमें क्या था, कितनी वैकेंसी, कितनी फॉर्म डले थे, और अब की बार क्या कुछ कितना कंपटीशन है पहले चेक करेंगे, फिर दोस्तों आपको डाटा दिखाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप दोस्तों सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ अगर मेरे इतने क्वेश्चन अगर सही हैं, इतने रॉ मार्क्स अगर मेरे बन रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों रियल स्टेक डाटा आपके सामने अभी दोस्तों इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपने ये वीडियो अगर कंप्लीट देख ली तो कोई कट ऑफ की दोबारा से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए सबसे ना कट ऑफ कम जाने के 5 बड़े कारण देखिएगा। 2018 में जो वैकेंसी थी 62,907 थी, अब की बार 103,000 है। ठीक है, अच्छा टोटल फॉर्म थे 2018 में 1,89,00,000 और अब की बार है 1,15,00,000। ठीक है, वैकेंसी अब की बार ज़्यादा है, पहले कम थी, पहले फॉर्म ज़्यादा थे, अब की बार फॉर्म कम है। ठीक है, कट ऑफ कम रहने के कारण आप जान लीजिए। और 2018 में दोस्तों फॉर्म भी ज़्यादा थे और बच्चों के जो अटेंडेंस थे वो भी ज़्यादा थी, लगभग 70% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अब की बार दोस्तों 40-50% के बीच में ही बच्चों ने एग्जाम दिया है, 50 तो नहीं है, 50 से नीचे ही है, लगभग दोस्तों 55% के आसपास बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है। ठीक है, अब की बार देखिए, पिछली बार दोस्तों क्या था, एग्जाम था मॉडरेट लेवल का, अब की बार दोस्तों हार्ड लेवल का एग्जाम था। पिछली बार क्या थी, नॉर्मलाइजेशन, जिसमें बच्चों के अगर 40 नंबर यानी रॉ मार्क्स 40 हैं तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से उसके 80-90 के नंबर बन रही हैं। ऐसा अब की बार होने वाला है नहीं, परसेंटाइल अब की बार दोस्तों होगा, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जैसे आज आपका एग्जाम है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, तो 3 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, तीनों शिफ्ट का दोस्तों देखेंगे कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी आसान थी, किसमें एवरेज क्वेश्चंस का जो अटेम्प्ट है सब कुछ चेक करके ही परसेंटाइल निकलेगी, ना कि दोस्तों ओवरऑल, या फिर एक फेज का कंप्लीट निकलने वाला, डे बाय डे निकलेगा। जिस दिन आपका एग्जाम था 3 शिफ्ट उस दिन थी, तीनों शिफ्ट के आधार पर ही आपकी परसेंटाइल निकलेगी। मान लीजिए अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं 50, ठीक है, तो आपके रॉ मार्क्स भी दिखाएगा कितने हैं। परसेंटाइल में दोस्तों ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते हैं, 8-10 क्वेश्चन मैक्सिमम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। अब आपको डाटा दिखाने वाला हूँ और डाटा दिखाने के बाद आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले दोस्तों कंप्लीट डाटा देखिएगा, लगभग 20 लाख बच्चों का सर्वे है। आप देखिएगा दोस्तों ये सब देखिए दोस्तों, ये महासर्वे है लगभग 20 लाख बच्चों का। ठीक है, तो इसके आधार पर आप खुद भी आइडिया लगा सकते कट ऑफ क्या रहने वाला, हाई नहीं जाएगा किसी भी हाल में। ये दोस्तों क्वेश्चन अटेम्प्ट का दे रखा है, 26 सितंबर 3rd शिफ्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट के बच्चों ने, 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट के 66 बच्चों ने। ठीक है, 66% बच्चों ने दोस्तों 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 11% ने 60 से अधिक। ठीक है, 70-80 के बीच में बात करें 11% है, 80-90 के बीच में 5% है, 90-90 में 8% है। टोटल 49,000 की वोटिंग है, पूरी 20 लाख वोटिंग आपको दिखाने वाले, 20 लाख बच्चों के शिफ्ट वाइज। ठीक है, कंप्लीट एग्जाम 26 सितंबर 2nd शिफ्ट का देख लीजिए दोस्तों, 60-70 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट के 65% बच्चों ने। ठीक है, 60-70 क्वेश्चन के बीच में अटैम्प्ट के 65% बच्चों ने 22 सितंबर 3rd शिफ्ट। ठीक है, कंप्लीट देखिएगा 22 सितंबर 2nd शिफ्ट में 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 66% बच्चों ने। ठीक है, परसेंट का जिक्र है यहाँ पर। ठीक है, 34,000 की वोटिंग है, आप खुद देख सकते हैं। इसके आधार पर दोस्तों ही है जो कट ऑफ है ना, किसी भी कैटेगरी की जब सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी की,
ये तो यहां क्लियर है कि 60 से ऊपर तो किसी भी हाल में कट ऑफ नहीं जाने वाला, किसी भी कैटेगरी का जनरल कैटेगरी का जब कट ऑफ है दोस्तों, इसके आधार पर अगर हम लगाए ना तो 55% रॉ मार्क्स की बात है, 55 अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे ना सिलेक्शन श्योर अब की बार। मान लीजिए 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, मान लीजिए 65 क्वेश्चन सही कर दिए, 8-10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए दोस्तों, सभी के हुए हैं, 8-10 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं तुक्का लगाते हैं, 4-5 क्वेश्चन वैसे भी गलत हो जाते हैं, लगभग 70 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए तो 10 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, 10 क्वेश्चन रॉन्ग मतलब वही कट ऑफ 56-57 पे आ जाता है, लेकिन सभी ने 70 भी नहीं किए, सभी ने 60 भी नहीं किए। तो जनरल कैटेगरी की बात करें, मैक्सिमम कोई भी कैटेगरी हो 55 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। आगे और चलेगा दोस्तों, कंप्लीट डाटा देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कट ऑफ क्या रहने वाला है, कम मार्क्स में भी आपके पास सिलेक्शन हो सकता है। देखिएगा 20 सितंबर की बात कर, थर्ड शिफ्ट की 65% बच्चों ने वोट किया है 60-70 क्वेश्चंस पर, यानी अटेम्प्ट किए इतने, 50,000 की वोटिंग है, ठीक है। अभी देखिएगा 20 सितंबर सेकंड शिफ्ट, 28,000 बच्चों ने वोट किया, 66% बच्चों ने सिलेक्ट किया कि हमने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अभी 19 सितंबर की बात कर, तीसरी शिफ्ट, 66% बच्चों ने कहा है कि हमने 60-70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादा हो ही नहीं पाए, क्वेश्चन पेपर लेंथी था, हार्ड था, ज़्यादा क्वेश्चन किसी से अटेम्प्ट नहीं हो पाए। 44,000 की वोटिंग है यहाँ, ठीक है। 37,000 की वोटिंग में दोस्तों देखिएगा 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने बोला है, 66% बच्चों ने बोला है कि 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट हो पाए हैं, ठीक है। अच्छा 17 सितंबर की बात करें, देखिए 1,11,000 बच्चों ने वोट किया है और 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 65% बच्चों ने, ठीक है। देख लीजिए कंप्लीट डाटा आपके सामने है, बार बार वीडियोस देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली दोस्तों, रियल डाटा आपके सामने है, रियल डाटा, ठीक है ना। बहुत बड़ा सर्वे किया है उसके बाद दोस्तों डाटा मिला है ये, ठीक है ना। 17 सितंबर की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में 66% बच्चों ने 60-70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, लगभग 40,000 की वोटिंग है, ठीक है। देखिए लगभग 80,000 की वोटिंग में 16 सितंबर तीसरा शिफ्ट, 65% बच्चों ने 60-70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, 60 से कम में 11% बच्चे, 70-80 के बीच में 11%, 80-90 में 5%, 90-90 में 7%। जितने भी दोस्तों जिसने भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उतने ही ज़्यादा उनके रॉन्ग भी मिलेंगे, ठीक है ना। जी हाँ मेरे साथियों, देखिए ऐसा कोई नहीं है जिनको सभी क्वेश्चन आ रहे थे, जी हाँ मेरे साथियों, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था, पेपर का जो लेवल था बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो 16 सितंबर की अगर हम दोस्तों यहाँ बात करें सेकंड शिफ्ट की, 41,000 बच्चों का डाटा आपके सामने है, 67% बच्चों ने वही 60-70 देखिएगा दोस्तों, 60-70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट के मैक्सिमम बच्चों ने। ये 15 सितंबर का देखिए तीसरा शिफ्ट, आप देखते जाएगा 60-70 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। देखिएगा 15 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का 70,000 बच्चों ने वोटिंग के, लगभग 64% बच्चों ने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। वहीं 14 सितंबर को 56,000 बच्चों ने वोट किया, 65% ने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट का देख लीजिए, हाँ कंप्लीट डाटा आपके सामने है, ठीक है ना। वही देखिए कोई कुछ बता रहा है, कोई 30 नंबर पे सिलेक्शन बता रहा है, कोई 80 भी बता रहा है, जो भी डाटा है आपके सामने है दोस्तों, जो भी डाटा है आपके सामने है। मैं इसी के आधार पर आपको लास्ट में कट ऑफ बताने वाला हूँ, कंप्लीट स्ट्रिक्ट कट ऑफ, उससे ज़्यादा ना ही उससे कम, ठीक है। 60-70% बच्चों ने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 67% बच्चों ने 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट में, 34,000 बच्चों का डाटा है ये, और 55,000 का डाटा ये देखिए 13 सितंबर का तीसरे शिफ्ट का है, 65% ने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और वहीं 13 सितंबर में देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट का 57,000 बच्चों ने वोटिंग की, 65% ने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 60 से कम देखिएगा 13%, 60 से कम वाले भी है बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ मैं 30-40 अगर डालता ना तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चे मिलते, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आपको देखिएगा 80-90 कितने कम बच्चे, यार खुद ही देख लीजिए, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है कि जो ये बता रहे ना ये भी फेक लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है, तो तुक्का लगाया होगा उन्होंने, इसीलिए बोल दिया कि इतने अटेम्प्ट किए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा था, आपको पता है क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किसी से भी नहीं हो पाए हैं। देखिए 12 सितंबर का डाटा है ये, देखिएगा 47,000 बच्चों ने वोट किया, 65% ने 60-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और
12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट में देखिएगा 40,000 बच्चों ने वोट किया, 67% ने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट देखिएगा 66% बच्चों ने 60-70 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्वेश्चन अटेम्प्ट है ये, रॉ मार्क्स आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कितने पर कट ऑफ रहने वाला है, कंप्लीट आप देख सकते हैं, ठीक है। 60 से कम वाले भी बहुत बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा, चेक कर लीजिए, आपके सामने डाटा है दोस्तों, कोई झूठ नहीं इसके अंदर। देखिए 60-70% बच्चों ने, 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 64% बच्चों ने तीसरे शिफ्ट में 9 सितंबर को। 1,00,000 वोटिंग है यार, 20,00,000 से ऊपर का डाटा आपके सामने है, और इससे रियल कट ऑफ आपको कहाँ मिलेगी, रियल डाटा आपके सामने है। हर रोज़ दोस्तों, हर रोज़ मेरे प्यारे साथियों, ये एनालिसिस किया है, रोजाना पोलिंग की है, तब जाकर डाटा मिला है ये, ठीक है ना। सभी आज तक अब तक जिसने भी कट ऑफ दिखाई है ना दोस्तों, ऐसा डाटा किसी ने भी नहीं दिखाया होगा, पहले बार आपके सामने रियल डाटा है। 9 सितंबर सेकंड शिफ्ट 66% बच्चों ने 60-70 क्वेश्चन, मैक्सिमम देखिएगा 60-70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं बच्चे, 52,000 का वोटिंग। यहाँ देखिए वही 60-70 क्वेश्चन 65% ने 45,000 की वोटिंग, 60 से कम में 13%, देखिएगा दोस्तों कंप्लीट दिख रहा है अच्छे से, 54,000 की वोटिंग है 8 सितंबर को। थर्ड शिफ्ट में वही 64 है, 64, 5, 6, 7 ऐसे चल रहा है। देखिए 6 सितंबर थर्ड शिफ्ट में 47,000 बच्चों का डाटा है ये, 66% ने 60-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर एक एक क्वेश्चन डालता ना कि 60, 61, 62, 63 तो 60 के आसपास ही घूमते मिलते हैं, जिसमें 5-6 क्वेश्चन रोंग भी मिलते हैं। इस डाटा से ये लग रहा है कोई भी कैटेगरी 55 मार्क्स रॉ मार्क्स का जिक्र है, ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये आप देखिए 5 सितंबर का देख लीजिए दोस्तों, 38,000 बच्चों का ये डाटा है, ठीक है। 70,000 का डाटा 2 सितंबर थर्ड शिफ्ट में, देखिएगा 66% बच्चों ने 60-70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, खुद के ऊपर ही लेकर चलिए कितने क्वेश्चन हमने सही किए, कितने गलत किए। गलती सभी से होती है, कोई जानबूझकर कर देता है, कोई अनजाने में भी हो जाती है, ठीक है, कोई तुक्का लगाता है, कोई नहीं लगाता है, लेकिन मिस्टेक सभी से होती है। 2 सितंबर सेकंड शिफ्ट 45,000 बच्चों का ये डाटा, वही अब की बार क्या है 66%, 60-70 क्वेश्चन 60-70 में, यहाँ देखिए 66%। 1 सितंबर थर्ड शिफ्ट का 43,000 बच्चों का डाटा, ठीक है। वहीं देखिए 30 अगस्त, अब आ गए हैं अगस्त में, फर्स्ट और सेकंड फेज में आ गए हैं, अब सेकंड फेज का चल रहा है, सेकंड फेज का देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ मेरे प्यारे साथियों, कंप्लीट डाटा आपके सामने है, 66%, 47,000 बच्चों में से 66 ने 60-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है ना। वहीं देखिए 29 अगस्त, ठीक है ना, खेल दिवस के दिन भी जिनका एग्जाम था, कंप्लीट देख लीजिएगा दोस्तों, कंप्लीट डाटा आपके सामने है, ठीक है। अभी आगे देखिए 26 अगस्त का देखिए 65% बच्चों ने 60-70 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं, यह है 85,000 बच्चों का डाटा, 44,000 का डाटा 26 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में, 65% ने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना। और 26 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट देखिएगा 46,000 बच्चों ने 64% ने 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट है दोस्तों, सही नहीं है, अटेम्प्ट है, ऐसा कोई बच्चा, बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं, बहुत ही कम बच्चे जिन्होंने सभी क्वेश्चन राइट किए हैं, 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन सबके गलत मिलेंगे आपको, ठीक है। ये 25 अगस्त का 61,000 की वोटिंग देख लीजिए, ये 22 अगस्त का डाटा है तीसरे शिफ्ट का, 1,40,000 लगभग 1,50,000 बच्चों ने यहाँ वोट कर रखा है, 62% ने 60-70 क्वेश्चन, 40% ने 60 से कम, ऊपर आप 70, 80, 90 से देखा, आप खुद देख लीजिए यार कितने बच्चों ने क्या किया है, कंप्लीट दिख रहा है ना। 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 64,000 बच्चों का डाटा, 62% ने 60-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। ये 18 अगस्त का देखिए दोस्तों, ये 18 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का है, 83,000 बच्चों ने वोटिंग की है, डाटा है ये, 62% ने 60-70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट 1,05,000, 60% ने 60-70 क्वेश्चन, 13% ने 60 से कम, आप खुद देखिएगा दोस्तों, लगभग है ना
80% बच्चों के 60 से 65 क्वेश्चन से नीचे ही सही हैं, ठीक है ना। आप खुद देखिएगा 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 60% बच्चों का 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 60,000 का ये डाटा है, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट देख लीजिए, या आप देखिए कहीं पर भी देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ 63% 60 से 70 है, ठीक है, 14% 60 से कम है, लगभग दोस्तों 80% बच्चों के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है ना वो मैक्सिमम 70 हैं, मैक्सिमम 70 यानी 50 से लेकर 70 क्वेश्चन है दोस्तों, अटेम्प्ट का जिक्र है यहाँ। अब गलत भी हैं, सभी से गलती हुई है, 8 से 10 क्वेश्चन सभी के रॉन्ग हुए हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके ना, मान लीजिए 60 क्वेश्चन आपने सही किए, 10 आपने कर दिए रोंग, ठीक ना, 10 क्वेश्चन में से कितने रोंग हो गए आप, 70 में से 10 रोंग हो गए, 10 रोंग हो गए यानी दोस्तों 3 मार्क्स सीधे सीधे आपके कम हो गए हैं, एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग है, फिर एक क्वेश्चन और बचता है तो लगभग दोस्तों 56 पॉइंट कुछ बचता है। तो देखिए 56 के आसपास, मैंने 50% के आसपास बोला है कट ऑफ, इससे ऊपर किसी भी कैटेगरी का नहीं जाने वाला, किसी भी जोन का नहीं जाने वाला है। तो रियल कट ऑफ आपको दोस्तों मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी जोन हो दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो 55% से ऊपर किसी भी हाल में नहीं जाने वाला है, किसी भी हाल में नहीं जाएगा, 55% से ऊपर कट ऑफ। रॉ मार्क्स का जिक्र है, परसेंटाइल के बाद का नहीं है, यहाँ रॉ मार्क्स का जिक्र कर रहा हूं मैं। ओबीसी दोस्तों 50 से ऊपर इसके अकॉर्डिंग नहीं जाने वाला है, 50 के आसपास रहेगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का 45 टू दोस्तों 48 रहने वाला है, और एससी कैटेगरी का, सॉरी ये एससी का था, ये एसटी कैटेगरी का दोस्तों 40 से 45 क्वेश्चन यानी 40 से 45 नंबर रॉ मार्क्स ये कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हर जगह आप कट ऑफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, इससे अच्छा डाटा मेरे हिसाब से आपको कहीं पर नहीं मिला होगा। हर रोज का शिफ्ट वाइज दोस्तों डाटा मैंने आपको दिखा दिया है कि 60 से 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं मैक्सिमम बच्चे, आप खुद ही सोच लीजिए ज्यादा कट ऑफ कहाँ जाने वाला, नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी का 55 से ऊपर दोस्तों नहीं जाने वाला है। अगर आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन, ये मान लीजिए अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट के 4-5 अगर आपने गलत भी कर देना तो दोस्तों अपना पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 50 क्वेश्चन एससी वालों आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं, 2-4 क्वेश्चन आपके रोंग भी है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, रोंग भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी वालों आपका तो हो गया है, ठीक है ना, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है ना एसटी वालों सबका हो जाएगा लगभग, ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है, अटेंडेंस बहुत कम थी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इससे अच्छा मौका और नहीं मिलने वाला है, तो पीटी की आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर दोस्तों इतने क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं ना तो दोस्तों आप दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको दोस्तों डाटा और ये कट ऑफ अगर सही लगी तो प्लीज क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। रोज क्लास में आइए, रोजाना दोस्तों जीके साइंस करंट अफेयर्स की क्लास भी लेकर आता हूं मैं, और हर क्लास का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना, क्योंकि इससे बेहतरीन डाटा आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द दोस्तों हाजिर होने वाले हैं एक और सर्वे के साथ में, तो वेट कीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद।